गाइस कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो सर कटने के बाद भी जिंदा रहते हैं। गाइस आपने वो घटना तो सुनी ही होगी, एक भूत बिना सर के घूमता रहता है। वैसे ही कुछ जानवर भी मरने के बाद जिंदा रहते हैं। आज हम इस वीडियो में ऐसे ही जानवरों के बारे में बताएंगे जो मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं। कॉकरोच या तिलचट्टा ऐसा जीव है, अगर आप इसका सर काट देंगे तो ये जीव मरता नहीं है, ये जीव जिंदा रहता है। और अगर कोई इसे बिना सर के देख लेगा तो डर ही जाएगा। और वैसे अगर सर कटने के बाद मरता भी है तो ये भूख के कारण मरेगा, ना कि सर कटने के कारण। गाइस कॉकरोच में छोटे छोटे छेद होते हैं जिसके कारण वो सांस ले सकता है। अगर कॉकरोच का सर कट भी जाता है तो ये अपने छोटे छोटे छेदों से सांस ले सकता है। और कई बार आपने कॉकरोच को फ्लश में बहा भी दिया होगा और सोचते होंगे कि वो मर गया होगा, लेकिन वो मरता नहीं है, क्योंकि कॉकरोच पानी के अंदर भी 30 से 40 मिनट तक सांस रोक सकता है। कॉकरोच के बारे में एक अमेजिंग फैक्ट ये है कि फीमेल कॉकरोच लाइफ में एक बार ही संभोग करती है और मेल कॉकरोच का स्पर्म अपने पास सेव रखती है, और जब उसे प्रेग्नेंट होना है तो वो उसके कारण प्रेग्नेंट हो जाती है। गाइस अब बात कर लेते हैं ऑक्टोपस की। इनका शरीर बहुत लचीला होता है और इसे कोई आसानी से पकड़ नहीं सकता। इसके पास एक दो नहीं पूरे 3 दिल होते हैं जो कि ये अपने आप को बचाने के लिए यूज़ करते हैं। और इनके पास जो 8 पैर होते हैं उनमें हर एक पैर में एक दिमाग होता है, मीन्स ऑक्टोपस के पास 3 दिल और 9 दिमाग होते हैं। और इसका एक दिल और एक दिमाग काट भी दिया जाए तो ये जिंदा रहता है, और इसे ज़्यादा भूख लगने पर ये अपने पैर को भी खा जाता है और वो पैर वापस भी आ सकता है। गाइस आपने देखा भी होगा कि कई देशों में ऑक्टोपस को खाया जाता है और इसे काट कर खाने में सर्व किया जाता है। और ये जीव काटने के बाद भी इसके पैर हिलते रहते हैं, क्योंकि इसके पैर में जो दिमाग होता है वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता रहता है। गाइस अब बात कर लेते हैं चिकन यानी कि मुर्गा की। आपने कभी बिना सर वाला मुर्गा देखा है? कई लोग तो कहते हैं कि कटा हुआ सर वाला मुर्गा पर काला जादू करके छोड़ दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है गाइस। लेकिन एक बार ऐसी घटना भी हुई जहां एक मुर्गा बिना सर के कई महीनों तक जिंदा था। जैसे ही इंसानों को जिंदा रहने के लिए ब्रेन स्टेम सेल की ज़रूरत होती है, वैसे ही मुर्गे को भी जिंदा रहने के लिए ब्रेन स्टेम सेल की ज़रूरत होती है। जैसे कई लोग मुर्गे को काटते हैं और अगर उसका सर ऐसे काट दिया जाए कि जुगुलर वेंस को नहीं काटा तो वो मुर्गा जिंदा रह सकता है। ऐसा ही एक वाक्य हुआ था जब मुर्गा को बिना सर के 18 महीने तक जिंदा रहा था। उस मुर्गे का नाम था माइक। गाइस अब आप सोच रहे होंगे कि बिना खाए पिए वो जिंदा कैसे रहा हो, तो हम बताते हैं। उसे लिक्विड डाइट के थ्रू 18 मंथ तक जिंदा रखा था और इस मुर्गे का नाम माइक द हेडलेस चिकन नाम दिया था। गाइस अब हम एक ऐसे जीव के बारे में बात करते हैं जिसे काटने पर वो मरता नहीं है, बल्कि उसे जितने भागों में काट दिया जाए तो वो उतने शरीर में अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है। उसका नाम है प्लेनेरियम फ्लैटवॉर्म। इसका मतलब है कि अगर हम इसे जितने हिस्सों में काटेंगे तो वो उतने ही नए प्लेनेरियम जिंदा हो जाएंगे और मरेंगे नहीं, और हर एक प्लेनेरियम के सर भी अलग अलग हो जाएंगे जिससे एक नया प्लेनेरियम बन जाता है। गाइस आप सोचिए, अगर एक प्लेनेरियम को 100 हिस्सों में काट दिया जाए और उसके बाद फिर उनको और हिस्सों में काट दिया जाए तो कितने प्लेनेरियम पैदा हो जाएंगे, आप एक बार सोच के देखिएगा। काश हमारे पास भी एक ऐसी ताकत होती। गाइस अब एक ऐसे जीव के बारे में बात करते हैं जिसे देख कर लोग डर जाते हैं और भाग खड़े होते हैं। हम बात कर रहे हैं सांप की। गाइस सांप भी एक ऐसा जीव है, अगर उसके सर को काट दिया जाए तो वो थोड़े टाइम के लिए जिंदा रहता है। सांप मरने के बाद भी इनके शरीर में कुछ एनर्जी रहती है जिसके कारण ये अपने आप को बचाने की कोशिश करते रहते हैं, और अगर कोई इसे उस टाइम छू ले तो ये उस पर अपना जहर छोड़ सकते हैं। इसलिए जब कटा हुआ सांप दिख जाए तो आप उससे दूर ही रहिएगा, उसे मरा हुआ समझकर उसे उठा मत लीजिएगा, क्या पता वो जहर छोड़ दे और आपकी मौत हो जाए, आप जरा सावधान ही रहना इससे। गाइस सोचिए, इन जानवरों की जैसे कोई ताकत इंसानों के पास होती, जैसे हाथ पैर कट जाने पर वापस आ जाते या फिर एक से ज़्यादा दिल होते तो क्या होता। गाइस कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।